देखिए, कोई विशेष बात नहीं है, ये कई बार सामान्य जो एक राजनीति घटनाक्रम होता है ये उसी सामान्य राजनीति घटनाक्रम का हिस्सा है। और कोई चुनाव से पहले का हमारा कोई गठबंधन भी नहीं था। ये 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी, जननायक जनता पार्टी अलग लड़ी, और दोनों पार्टियों को एक ज़रूरत महसूस हुई इकट्ठा आकर के हरियाणा की जनता की सेवा करने का, वो की है। अब परिस्थितियाँ बदली हैं, नई परिस्थितियों में जब चुनाव आए हैं तो पूर्व की भांति दोनों पार्टियां उसी व्यवस्था में, यानी कि अलग अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसा एक जो उस समय घटनाक्रम जो हुआ उसी के चलते आज दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हुए हैं। कोई कुछ भी कहे, उसमें कोई राजनीतिक दल कहता है, कोई व्यक्ति विशेष कहता है, किसी के कहने का अर्थ अपना हो सकता है उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद है, देश और प्रदेश का विकास, सर्वांगीण विकास, व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन, गरीब का कल्याण, युवा का कल्याण, महिला का कल्याण, किसान का कल्याण, इन सब वर्गों का कल्याण करते हुए देश को आगे लेकर के जाना। और उस व्यवस्था में इस सारे काम को करने के लिए जो जो भी चीज़ें जरूरी होती है भारतीय जनता पार्टी करती है। गठबंधन करना नहीं करना सारा इसी प्रकार का जो घटनाक्रम होता है, इन व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। देखिए, मैंने एक बात कही है कि पिछला चुनाव भी हम लोग अलग ही लड़के आए थे ना, तो अब इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।